जो किसी माहौल को किसी जानदार की तरफ हो या किसी माहौल की वजह से जानदार अशिया को हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिर इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीके का था जिसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते थे वो भी हमने डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है एक डिजीज जिसे हम मलेरिया प्रॉब्लम कहते हैं, मलेरिया की बीमारी। तो मलेरिया को डिस्कस करेंगे, मलेरिया है क्या, ये कैसी बीमारी है, और ये मसला चलते चलते अब कैसे आके सॉल्व हो गया, और जो हमने बायोलॉजिकल मेथड डिस्कस किया था ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, देन रिजल्ट, फिर थ्योरी कैसे बनेगी, लॉ कैसे होगी, उस बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करके हम इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या इसके बारे में सीखेंगे या इसके बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो, हमें ये जानना होगा कि मलेरिया हैज हिस्ट्री ऑफ 2000 ईयर्स। मलेरिया 2000 साल तारीख रखता है, मींस दैट ये बीमारी अब की नहीं है, रिसेंट नहीं है, 100-200 साल की नहीं है। मलेरिया 2000 साल तारीख रखता है, 2000 साल की तारीख है मलेरिया की, ठीक है। मलेरिया इज अ ड्रीटफुल डिजीज, मलेरिया इज अ ड्रीटफुल डिजीज, या आप इसको हम लिख सकते हैं डेंजरस, खतरनाक, इज अ ड्रीटफुल और डेंजरस डिजीज, ये एक इंतहाई खतरनाक बीमारी है। मलेरिया इज कॉमन इन, मलेरिया नाउ इज कॉमन इन, बिल्कुल आम हो गई है या आम है इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में भी, अदर एशियन कंट्रीज, दूसरे एशियाई ममालिक में भी, इन अफ्रीकन कंट्रीज और अफ्रीकी ममालिक में भी। तो ये एक पुरानी बीमारी है जो 2000 साल पहले तारीख रखती है, और ये एक खतरनाक या हलाक करने वाली या मारने वाली बीमारी है, और कॉमन है पाकिस्तान में भी, एशियन कंट्रीज और जो है और अफ्रीकन जो कंट्रीज है इनमें ये बीमारी बिल्कुल आम है, ठीक है। एट फास्ट, माजी में, एट फास्ट माजी में पीपल कॉमनली थॉट मलेरिया, लोग मलेरिया को समझते थे, द डिजीज, या कहते थे द डिजीज ऑफ चिल एंड फीवर। मलेरिया को चिल और फीवर, चिल ठंड को कहते हैं, ठीक है, और फीवर बुखार को कहते हैं। तो मलेरिया पास्ट यानी पुराने दौर या माजी से ही आती रही है। फीवर कॉमनली कॉल्ड मलेरिया या थॉट मलेरिया, मलेरिया को कहते थे या हम समझते थे ठंड और बुखार की बीमारी। तो ये ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को ठंड भी लगती है और उसे बुखार भी होता है। सो दैट्स व्हाई मलेरिया इज आल्सो कॉल्ड द चिल एंड फीवर डिजीज, चिल एंड फीवर डिजीज, ठंड और बीमारी या बुखार की जो बीमारी है उसे ये कहा जाता था। एंड द पीपल ऑफ पास्ट और जो पुराने वक्त के लोग थे,
cos the people of fast know the better noun cause of malaria. देखें यहां पे पुराने वक्त के लोग जो मलेरिया की बेहतरीन वजह या वो जो समझते थे कि मलेरिया जिस चीज की वजह से होती है the air coming off dirty या marshy places, उन लोगों का ये ख्याल था कि मलेरिया गंदी ये दलदल कीचड़ या जहां पे पानी खड़ा हो उन जगहों से आने वाली हवा या भूख की वजह से होती है. The people of fast know the better noun called malaria. वो जिस वजह को मलेरिया की सबसे बड़ी वजह समझते थे वो ये थी द एयर कमिंग ऑफ डर्टी या मार्शी प्लेसेस, कि मलेरिया उस हवा की वजह से होती है जो आती है गंदी या गंदे पानी के खड़े रहे जोड़ या तालाब या जो कीचड़ वाली जगह है उनसे आने वाली हवा से. That's why यही वजह है. They named it, उन्होंने इस बीमारी को नाम दिया मलेरिया. और हम जानते हैं मलेरिया को इटालिक वर्ड से लिया गया है माला. माला का मतलब है बेड या डर्टी. और दूसरा लफ्ज इसका है एरिया मींस एयर या स्मेल. तो ये देखिए इन दो अल्फाज से लफ्ज मलेरिया लिया गया है. लफ्ज मलेरिया इन दो अल्फाज से लिया गया है माला MALA और ARIA मलेरिया. तो माला और एरिया, माला का मतलब है बेड या डर्टी गंदी या बेकार, एरिया मींस एयर या स्मेल. तो वो समझते थे कि गंदी जगहों से आने वाली स्मेल से मलेरिया होती है. ये देखें डर्टी स्मेल बदबू या गंदगी से आने वाली हवा या बदबू या बू से मलेरिया होती है. दूसरी वजह बेड एयर, जहां पे खराब या कचरा या गंदा पानी खड़ा होता था उस पानी से जो हवा या बू आती थी वो लोग ये समझते थे कि मलेरिया की बीमारी इस आने वाली बदबू या बेकार बू से होती है. सो दैट्स व्हाई दे नेम्ड दिस डिजीज एज मलेरिया. उन्होंने इस बीमारी को नाम मलेरिया दिया. बट लेकिन यहां पे जब उन्होंने कास जानी वो लोग ये समझते थे कि द बेड या डर्टी एयर या स्मेल कमिंग ऑफ मार्शी प्लेसेस द बेड या डर्टी एयर या स्मेल कमिंग ऑफ मार्शी प्लेसेस इज द कॉज ऑफ मलेरिया. ये मलेरिया की कॉज है, ये मलेरिया की वजह है. इसी वजह से उन्होंने इसका नाम भी माला एरिया यानी कि मलेरिया रखा. माला मींस बेड या डर्टी, एरिया मींस एयर या स्मेल. तो मलेरिया बेड एयर या डर्टी एयर या स्मेल से फैलने वाली या आने वाली हवा या बू से होने वाली बीमारी को वो कहते थे. बट लेकिन हुआ क्या, कुछ लोगों ने वॉलेंटियरली रजाकाराना मींस ऐसा सपोर्ट या हेल्प
या बगैर किसी गर्ज या मकसद के, सिर्फ इस खातिर कि इस बीमारी का हल निकले और इस खातिर वो कोऑपरेट करें, तो वॉलंटियरली। तो सम पीपल वॉलंटियरली ड्रिंक, कुछ लोगों ने रजाकाराना तौर पर पिया दी वाटर ऑफ मार्शी प्लेसेस, दी वाटर ऑफ मार्शी प्लेसेस, इन कीचड़ या जो ऐसे आम खुली जगहों पे खड़ा पानी था, गंदा पानी था। तो सम पीपल वॉलंटियरली ड्रिंक द वाटर ऑफ मार्शी प्लेसेस, कुछ लोगों ने रजाकाराना तौर पर यह साबित करने के लिए कि आया वाकई इस गंदी हवा या इस पानी से मलेरिया होती है या नहीं, तो इस खातिर उन्होंने मार्शी प्लेसेस जोहड़ों का, तालाबों का या खुले मकाम पे जो कीचड़ वाला पानी खड़ा था उनका वो पानी पिया। तो सम पीपल वॉलंटियरली ड्रिंक द वाटर ऑफ मार्शी प्लेसेस, उन्होंने इन जोहड़ों का या तालाबों का जो पानी था वो पिया। जब पिया उसके बाद जब उन्होंने इसका रिजल्ट चेक किया या उन लोगों को देखा, दे गॉट नो मलेरिया, दे गॉट नो मलेरिया, उन लोगों को कोई मलेरिया ना हुई। और वो लोग वजह जिस चीज को समझते थे, जिसकी वजह से उन्होंने नाम भी इसका मलेरिया रखा है, तो कुछ लोगों ने जाके वही पानी जिस चीज से वो मलेरिया के होने को समझते थे वो पानी पिया, और रिजल्ट यूं आया कि किसी भी उस शख्स को मलेरिया ना हुई। इधर डिस्टरबेंस पैदा हो गई कि जो पुराने वक्त के लोगों की आती हुई इंतहाई पुरानी बीमारी है उसकी वजह ढूंढने में एक मसला या परेशानी पैदा हुई कि हम जिसे इसका कॉज या जिसको इसकी वजह समझ रहे थे उस वजह से तो ये बीमारी हो ही नहीं रही है, क्योंकि लोगों ने बार बार इसे साबित करने के लिए ये ट्राई किया कि वो गंदा जो पानी खड़ा रहता था उसे पिया लेकिन उन्हें मलेरिया ना हुई। तो फिर भी वो लोग इस जहन में या ये सोचते थे कि इस मलेरिया की बीमारी का और इन गंदे पानी का या कीचड़ वाले पानी का या खुले मकाम पे जो खड़ा पानी है इसका मलेरिया के साथ कोई ना कोई ताल्लुक फिर है। तो कैसा है आगे उन्होंने क्या किया, फिर बात आई 17 सेंचुरी तक, ठीक है 17th सेंचुरी में यानी कि 17वीं सदी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ था, तो उन्हीं दिनों अ प्लांट, एक पौधा या दरख्त नाउन एज क्विना क्विना, नाउन एज क्विना क्विना, ये एक दरख्त जिसका नाम था क्विना क्विना, ये अमेरिका से लोग यूरोप की तरफ लाते थे और इसको मलेरिया की बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। एंड वाज इफेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया, और मलेरिया के इलाज में ये सूदमंद या फायदेमंद भी होती थी और इससे इलाज भी होता था। तो हम क्या, इन 17th सेंचुरी अ प्लांट नाउन एज क्विना क्विना वाज यूज्ड, इस्तेमाल किया गया टू ट्रीट मलेरिया, मलेरिया का इलाज करने के लिए। तो ये यूएसए टू यूरोप, और इसकी बड़ी मिकदार में तिजारत होती थी या ये लोग लाते थे तिजारत की गर्ज से अमेरिका से यूरोप की तरफ। तो अमेरिका से यूरोप की तरफ ये क्वीना क्वीना जो दरख्त था इसको सप्लाई किया जाता था या इसकी तिजारत की जाती थी, और ये लोग इस वजह से इसे ट्रांसपोर्ट करते थे या इस वजह से उसे इंपोर्ट करते थे या वहां से मंगाते थे, क्योंकि क्वीना क्वीना दरख्त जो है और उसको कूट कर या जो उससे केमिकल निकालते थे उसको वो मलेरिया के लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। एंड और रिजल्ट क्या था, क्विना क्विना जो था रिजल्ट ये था कि क्विना क्विना जो है क्विना क्विना वाज इफेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया। और इन लोगों ने देखा भी
कि ये जो किना किना प्लांट है ये मलेरिया के अगेंस्ट अच्छा रिजल्ट दे रही है और इससे मलेरिया का इलाज हो रहा है, तो लिहाजा इसकी मांग बढ़ी। इसकी मांग के साथ इसी क्विना क्विना दरख्त से मुशाबहत रखने वाला ये इसी जैसा एक और प्लांट भी उन्होंने इंपोर्ट या उन्होंने तिजारत की गर्ज से यूरोप संगल करना या लाना शुरू कर दिया। दैट वाज सिंकोना, उस प्लांट का नाम था सिंकोना, ठीक है, दैट ही नेम्ड देम एज सिंकोना। सिंकोना प्लांट, सिंकोना प्लांट एट दैट टाइम, एट दैट टाइम उस वक्त वॉज आल्सो टेस्टेड, वॉज आल्सो टेस्टेड उस वक्त इस प्लांट या उस जैसी मुशाबहत रखने वाली दूसरी प्लांट सिंकोना को भी मलेरिया के खिलाफ टेस्ट किया गया एंड फाउंड मोर इफेक्टिव, एंड फाउंड मोर इफेक्टिव। और ये इंतहाई ज्यादा या क्विना क्विना से भी ज्यादा सूदमंद साबित हो गई, एंड फाउंड मोर इफेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया। और ये पौधा और इससे अखज होने वाला केमिकल वो भी अब मलेरिया के इलाज के लिए और भी अच्छा इस्तेमाल होने लगा या फायदा देने लगा या इससे मलेरिया का इलाज और भी अच्छे तरीके से होने लगा, ठीक है। तो समझिएगा कि कुछ लोगों ने जब वो मार्शी प्लेसेस का वाटर पिया, पानी पिया, रिजल्ट क्यों आया कि उनमें से किसी को मलेरिया ना हुई, तो यहां पे एक कंट्रोवर्सी बन गई, बेचैनी ये हो गई कि जैसे हम जिस चीज को मलेरिया की वजह समझ रहे थे उससे तो मलेरिया हो नहीं रही। फिर 17 सेंचुरी में अमेरिका से एक दरख्त क्वीना क्वीना जो है वो यूरोप को इंपोर्ट होता था या यहां पे लोग तिजारत की गर्ज से लाके बेचते थे और इस क्वीना क्वीना को मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर एक दूसरी तरफ की भी तरसील शुरू हो गई, उनका भी इंपोर्ट दरामद शुरू हो गई, वो भी वही अमेरिका से ही आने लगा, उसका नाम है सिंकोना। जब सिंकोना को टेस्ट किया गया वो क्वीना क्वीना से बहुत मुशाबियत रखती थी, इस दरख्त को भी जब टेस्ट किया गया ये क्वीना क्वीना से भी मलेरिया के खिलाफ ज्यादा सूदमंद या मलेरिया का इलाज करने के लिए और भी अच्छी साबित हो गई। तो ये मलेरिया की हिस्ट्री है और ये मलेरिया का नाम क्यों रखा गया और वो लोग पुराने वक्तों से क्या सोचते थे कि ये मलेरिया की बीमारी होती किस वजह से। फिर चलते हैं, बात आती है 17 सेंचुरी की बात, 1878 पर। इन 1878 1878 में अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन, आ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन, फ्रांस के आर्मी के एक फिजिशियन यानी कि डॉक्टर है, फ्रेंच फ्रांस के आर्मी उनकी फौज के या आर्मी के एक फिजिशियन है, वो डॉक्टर हैं, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व इन्होंने देखा, ऑब्जर्व्ड इन्होंने देखा मलेरियल पेशेंट्स ब्लड, मलेरियल पेशेंट्स ब्लड, मलेरिया के बीमार का खून टेस्ट किया, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा या माइक्रोस्कोप पे उसे ऑब्जर्व किया। बात चलती आ रही है 2000 साल तारीख, यानी कि काफी तबाही, 2 मिलियन लोग सालाना इससे मरते थे, मर भी रहे हैं आज भी। तो 1878 में अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन, फ्रांस की आर्मी के फिजिशियन है, डॉक्टर है, वो ऑब्जर्व मलेरियल पेशेंट्स ब्लड, वो मलेरिया के एक बीमार जो मलेरिया की अलामत है चिल एंड फीवर, ठीक है, ठंड और बुखार की बीमारी, उस मलेरिया के शख्स का खून वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं माइक्रोस्कोप में। तो वो क्या देखते हैं, रिजल्ट ये निकलता है, वो ये बताते हैं कि ही ऑब्जर्व स्मॉल क्रिएचर्स, ठीक है, या जर्म्स, वो वहां पे उसके खून में छोटे छोटे जरासीम या छोटी छोटी अजसाम या जिंदा चीजें देखता है।
He observed small creatures या germs in malarial patient's blood. In malarial patient's blood. जब इसने मलेरिया के बीमार के खून को देखा तो उस मलेरिया के बीमार का जो खून था माइक्रोस्कोप के नीचे में छोटे छोटे जरासीम या छोटे छोटे जानदार नजर आए. He named them. उन्होंने इसको नाम दिया, लेगरान ने उन्हें नाम दिया. He named them as a malarial parasite. लेवेनान ने उन्हें नाम दिया मलेरियल पैरासाइट. क्योंकि पैरासाइट आप जानते हैं हर उस जरासीम या जानदार को कहते हैं जो दूसरे जानदार में रहता हो और उसे नुकसान भी पहुंचाता हो, उससे खुराक भी लेता हो, उसे हम पैरासाइट कहते हैं. तो इसने क्या किया, जब मलेरिया के बीमार के खून को ऑब्जर्व किया या टेस्ट किया माइक्रोस्कोप पे देखा तो उसमें जो उसे छोटे जरासीम या छोटे छोटे जानदार नजर आए उन्होंने नेम दिया इन जानदारों को एज मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया के पैरासाइट. लेटर ऑन बाद में द मलेरियल पैरासाइट, जो मलेरिया के पैरासाइट है लेटर ऑन बाद में द मलेरियल पैरासाइट वर नेम्ड, इन्हें नाम दिया गया प्लाज्मोडियम. दे वर नेम्ड एज अ प्लाज्मोडियम क्योंकि ये ब्लड में था या ब्लड प्लाज्मा में, तो दैट्स व्हाई दे नेम्ड देम एज प्लाज्मोडियम. उन्होंने इनको नाम दिया प्लाज्मोडियम का. तो यहां पे इसके बाद हम प्रॉपरली जो हम बायोलॉजिकल मेथड को समझते हैं, जो तरीका हमें बताया गया है उसी को ही फॉलो करके इस मसले का अब जो सलूशन निकाला गया ये इसको जैसे सॉल्व करा गया वो इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में समझेंगे. ठीक है, क्योंकि इसके पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन से ही स्टार्ट होगा. अब तक हमारे पास ये है कि लोग उससे मलेरिया को डर्टी या मार्शी प्लेसेस से मुंसलिक करते थे. फिर हुआ ये कि मार्शी वाटर या दलदल के पानी के पीने से मलेरिया ना हुई, ये दूसरी बात सामने आई. तीसरी बात यह है कि क्विनाक्विना और सिंकोना जो प्लांट है और इनका केमिकल है ये मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है. और आते आते 1878 में मलेरिया के बीमार के खून में मलेरियल पैरासाइट्स या जिन्हें बाद में प्लाज्मोडियम नाम दिया गया प्लाज्मोडियम मिल जाते हैं. इस हिस्ट्री या इन मालूमात को देखकर और समझकर जो मालूमात मिली और मालूमात मिलने के बाद आप प्रॉपरली बायोलॉजिकल मेथड में ऑब्जर्वेशन से लेके लॉ के बनने तक पूरे हम स्टेप्स को डिस्कस करेंगे इन्हीं मालूमात के बिना पर. तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर से मलेरिया की इन्हीं मालूमात को मद्देनजर रखते हुए वो जो ऑब्जर्वेशंस ली गई थी और जैसा फिर हाइपोथेसिस डिडक्शन और जैसा उन्होंने टेस्ट किया रिजल्ट आया एक्सपेरिमेंट वो उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.